तो आज का डेस्टिनेशन है गुंडा बिहार टू जमशेदपुर। ये देखिए ट्रेन आ रही है, टाटा हटिया या बड़का खाना। लॉकडाउन की वजह से ये ट्रेन बहुत दिनों तक बंद थी, यही कुछ एक महीना हुआ इस ट्रेन को पटरी पे दौड़े। ट्रेन अब चलना शुरू हुई है। ट्रेन से बाहर देखने का एक अलग ही मजा है, ऐसा मानो कि हम लोग कितना तेजी से आगे जा रहे हैं और पेड़ पौधे कितने तेजी से पीछे जा रहे हैं। चलते हुए ट्रेन का एक अलग ही फील है, वो आप अभी आवाज महसूस कीजिए। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की प्रसिद्ध नदी है, इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है। प्रकृति का नज़ारा देखो, ऊपर से ये ट्रेन का आनंद अलग ही मजा देता है। ट्रेन की जो आवाज़ है, वो फील है, वो कहीं नहीं मिलेगा। इंडियन रेलवे हैट्स ऑफ यू ये फील देने के लिए। दूसरी पटरी में आगे से ट्रेन आ रही है, देख लीजिए सामने गुजरने का अंदाजा। ट्रेन आ रही है दूसरी पटरी पर। ये जो आपको सामने ट्रेन दिखाई दे रही है, ये एक राजधानी एक्सप्रेस है। राजधानी मतलब समझ ही गए कि न्यू दिल्ली जाएगी डायरेक्ट। ये एक्सप्रेस ट्रेन दूसरे स्टेशन से गुजरने वाली रहेगी, तो वहाँ की सभी ट्रेनें स्टॉप रहेगी। ये ट्रेन जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक दूसरा ट्रेन नहीं चलेगी। ये जब क्रॉस हुआ उसके बाद ही दूसरा ट्रेन चालू हो गया, जैसे कि अभी हम लोग कांड्रा स्टेशन पर अभी रुके हुए हैं। जब ये ट्रेन पार होगी उसके बाद ही हम लोग का ट्रेन छोड़ेगी। हाफ एन आवर रुकना पड़ा उस ट्रेन की वजह से यहाँ हम लोग। उसके बाद अभी हम लोग अभी ट्रेन चलने लगी है, कांड्रा स्टेशन छोड़ रही है अभी।
से दो रूट अलग होती है। एक रूट जमशेदपुर की तरफ जाती है और दूसरी रूट जो आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन उधर डिवाइड हो रही है, वो चक्रधरपुर की तरफ जा रही है। और ये कांडा जंक्शन से ही डिवाइड होती है। जंक्शन मतलब आप समझ ही गए होंगे। जमशेदपुर कमारिया स्थित उषा मॉडर्न फैक्ट्री का ये रेलवे ट्रैक है। यहीं से ट्रेन लोड होकर निकलती है। ये जो सामने आपको रोड दिखाई दे रही है, इधर लेफ्ट साइड में कांडरा चांडिल है और राइट साइड में आदित्यपुर जमशेदपुर सब मिलते हैं। तो हम लोग को अभी जाना है जमशेदपुर, तो चलिए। अभी हम लोग कमरिया आदित्यपुर रोड में चल रहे हैं। आगे जाके हम लोग को लेफ्ट ले लेना है। ये देखिए, लेफ्ट लेने के बाद हम लोग अभी जाएंगे आदित्यपुर। ये अभी हम लोग को मिलने वाला है आदित्यपुर टोल ब्रिज। टोल ब्रिज के उस पार एक पुल और इस पार भी एक पुल। नजारा बढ़िया है। थोड़ा ध्यान से, यहाँ पुलिस तैनात है। हेलमेट मास्क लाना जरूरी है। अपना ध्यान, अपना सुरक्षा। तूने कुछ नाइट राइड्स भी किए हैं, तो चलिए आप एंजॉय लीजिए नाइट राइड के। ये बिष्टुपुर का रिगल मैदान है। आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ फंक्शन होते रहते हैं, तो आज भी है कुछ शायद फंक्शन। दिखाते हैं सामने आपको डायमंड जैसी लाइटिंग नजर आ रही होगी। यही है न्यू डायमंड पार्क। ये हाल फिलहाल में ओपन हुई है ये पार्क। जुबली पार्क का नंबर वन गेट है, और भी गेट है दूसरे साइड 2-3। और इसके सामने ही साक्षी कोर्ट है। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए साक्षी कोर्ट। इसके जस्ट बगल ही साक्षी पुलिस स्टेशन है। वो देखिए सामने सांची ओल्ड बुक स्टोर। लाइटिंग देखिए एकदम कमाल का, सॉलिड लग रहा है। लेकिन
ये सिद्धगढ़ा हनुमान मंदिर है। घूमते घूमते हम लोग एग्रीको चौक आ गए। एग्रीको चौक सिद्धगढ़ा या बारेडी जो हो सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।